जल्दी से पापा को फोन करके रख जाता। अरे खुशबू का कॉल। हेलो हेलो हेलो। अरे ओ शिवा इधर आ। अबे ओ एक बात बता, तू यहाँ मेरे कमरे में कर क्या रहा है? और वैसे तुझसे मैंने मना किया ना मेरे कमरे में आने के लिए और यहाँ का सामान तो छूने के लिए, तो फिर तू कमरे में कैसे आया? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। अच्छा ये बता, बर्तन धोए तूने? बस अभी मैंने बर्तन नहीं धोए, मम्मी अभी धोने जा रहा हूँ बर्तन। अच्छा ठीक है, बर्तन भी धो दियो और हाँ कपड़े भी धो दियो और कपड़े सुखा भी दियो, ठीक है? वो मम्मी ट्यूशन वाली मैम फीस के पैसे मांग रही हैं। क्या फीस के पैसे? अबे ओ तेरा बाप ना तेरी फीस के पैसे नहीं बेचता, और जो भी पैसे बेचता है ना वो घर के खर्चे में आ जाते हैं। और वैसे भी ज्यादा पढ़ने का शौक है ना, तो एक काम कर, रोड पर जा भीख मांग और तब पढ़ियो, ठीक है ना? अब चल निकल यहाँ से। मम्मी जी अंकल कौन है रोज हमारे घर पर आते हैं? तुझे इससे क्या, चल जा अपने आगे काम कर, ठीक है ना? और वैसे भी एक बात और, जा और आधे घंटे तक ना खेलता रहियो, वापस लौट के बताइयो, चल जा। पापा ये। अरे सनी तुम यहाँ पर तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे, तो तुम अभी कैसे आ गए? हाँ मैं, मेरी छोड़ो, ये बताओ ये कौन है तुम्हारे साथ में? ये ना मेरे मामा का बेटा है, मेरा दूर का रिश्तेदार है। क्या ये मामा का लड़का है? अगर ये मामा का लड़का है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं आपको कैसे मिलवाती, मैं ये सोच रही थी कि जब आप आएंगे ना तब मैं आपको मिलवा दूंगी। अच्छा तुम मुझे पागल समझ रही हो? अगर ये मामा का लड़का है तो तुम्हारे साथ में कर क्या रहा है, वो भी बेडरूम में? अरे सनी तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम ना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे ना सब कुछ पता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तो फिर आप कुछ भी क्यों बोले जा रहे हो? क्या इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें लग रहा ना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपना फोन चेक करो। फोन कॉल? ये कॉल तुमको किसने लगा दी? वो भी पिछले 25 मिनट से कॉल चल रही है, किसने किया ये सब? ये कॉल किसने लगाई है? ये कॉल ना मेरे बेटे ने लगाई है, ताकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ सके। और तुम्हें क्या लगा था मैं पागल हूँ? मैं बाहर रहता हूँ, बॉर्डर पे रहता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और हाँ मैंने तुमसे बोला था कि मैं पूरे 2 महीने बाद आऊंगा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कॉल लगाया और कॉल करके चालू छोड़ दिया, ताकि मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग सुन सकूं। और मैंने ना अपने कानों से सुन लिया, तो मेरे जाने के बाद मेरे बेडरूम में किसी अनजान व्यक्ति को बुलाती हो और उसके साथ में इतना गंदा काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी? और तो और तुमने ना मेरी छोड़ो, तुम इस बच्चे पर रहम करती, बच्चे से घर का काम करवाती हो, बर्तन धुलवाती हो और कपड़े धुलवाती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? ये छोटा है और इससे तुम घर का सारा काम करवाती हो। मुझे ना अपने ऊपर गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करी, तुम्हें मैं अपने घर में लेके आया। अरे सनी देखो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम मुझे घर से मत निकालो प्लीज, कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने जो कुछ भी किया ना अपने बच्चे के साथ तुम्हारे साथ, वो आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और मैं अपने बच्चे को ना बहुत प्यार से रखूंगी, बस मुझे घर से मत निकालो प्लीज। बस बहुत हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें शायद माफ कर पाता अगर तुम मेरे साथ में ये गलती करती, तुमने ना इसके साथ में, ये तो छोटा है ना, इससे तुम घर का काम करवाती थी, इतना इसको टॉर्चर करा, वो तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। अगर आज ये मुझे कॉल नहीं लगाता ना, तो मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता नहीं चलती और मैं धोखे में रहता, और तुम ना निकल जाओ मेरे घर से, समझी तुम?